परमेश्वर जिसे आपने कभी कभी नहीं जाना वह आकर आपसे कहता है और आपसे जाने के लिए कहता है क्यों जाएंगे वो भरोसा है ये विश्वास है यही परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना है यही तो प्रभु के वचन पर खड़े रहना और कहना है मैं विश्वास करता हूं वचन पर विश्वास करता जो देखता उस पर नहीं दूसरे जो कहते उस पर नहीं मैं वचन पर विश्वास करता हूं उसी पर मैं खड़ा हूं और इसलिए मैं जा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने कहा जा क्यों मैं ये कहता हूं कि प्रभु हमारे बीच में है विश्वास कीजिए क्योंकि उसे नहीं देख सकते आप उसे नहीं देख सकते इसलिए आपको विश्वास करना है कि वो है यदि आप उसे देख सकते तो विश्वास करने की जरूरत नहीं विश्वास करना है कि प्रभु है क्योंकि प्रभु नहीं दिख सकता ठीक है तो विश्वास अनदेखी बातों के लिए किया जाता है और इसलिए विश्वास का एक कदम भी लेना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि यह अनदेखी बातों के लिए होता है आप कदम उठाते नहीं जानते हैं कि यह नीचे क्या है ये मानो उस व्यक्ति के जैसे जो कार चला रहा है सोचता है क्या ये पुल मुझे संभालेगा जब मैं अपनी कार इस पर से ले जाऊंगा नहीं कोई ऐसे नहीं कहता क्योंकि वो जानता है सीमेंट से बना है कार इस पर से आ रही जा रही है वो नहीं पूछता है यदि आप इस तरह से ट्रेन टिकट लेते हैं कि हैदराबाद जाए आप हर स्टेशन पर उतर नहीं पूछते कि क्या यह ट्रेन हैदराबाद जाएगी कोई आपको पागल खाने में पहुंचाएगा क्योंकि वो सोचेगा पागल है यदि आपके पास टिकट है मद्रास से हैदराबाद के लिए और आप उस ट्रेन में हैं आपको उतरकर हर बार पूछने की जरूरत नहीं कि क्या यह हैदराबाद जा रही है या नहीं हैदराबाद जाएगी हाँ लेकिन विश्वास का कदम अलग है विश्वास का कदम अलग है समझने में आप ये नहीं जानते कि नीचे क्या है हा? आपको उसे पार करने के लिए कहा गया है लेकिन आप नहीं जानते क्या यह ब्रिज आपको संभालेगा या नहीं आप कुछ नहीं देख सकते ऐसा लगता है शायद आप किसी शून्य में जा रहे हैं आपको बस यही करना है कि आप बस परमेश्वर के वचन पर ही खड़े रहें इसलिए पत्रस का उदाहरण मुझे अच्छा लगता है यीशु ने कहा आओ और वो पानी पर चलने लगा यीशु ने पत्रस से कहा आओ अब आप क्या सोचते हैं कि उसके पैरों के नीचे क्या होगा आपको क्या लगता है उसके पैरों के नीचे कॉन्क्रीट होगा कि वो उस पर चल सके उसने केवल परमेश्वर का वचन सुना उसके पास प्रभु वचन था प्रभु का वचन ही केवल वो गारंटी है कि वो पानी पर खड़ा रह सकता है और पानी पर वो चल सकता है वचन उसको थामे हुए था वचन की मदद कर रहा था वचन उसके पैरों के नीचे की वो चीज थी वचन ही ज्यादा प्रभावशाली है समुंदर से पृथ्वी के ऊपर के सारे पानी से ज्यादा प्रभावशाली है उसने विश्वास किया वचन वो प्रभावशाली है जिसने उससे कहा कि आओ और इसलिए वो चल सका हेलो क्या आप सुन रहे हैं आप कैसे पार करना चाहेंगे समुंदर को वचन से <laughs> केवल वचन से जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि लोगों से कहना कि लाल समुंदर पार करे तो अपना हाथ उठाना और पानी पीछे चला जाएगा और उनसे कहना कि पार चले जाए क्या आप इसे पार करेंगे यदि मैं आपको मरीना बीच पर ले जाऊं और पानी को दो भाग कर लू और पानी दीवार सा खड़ा हो जाए मैं देखना चाहूंगा कितने लोग पार होंगे <laughs> आप में से कुछ लोग कहेंगे पास्टर साहब पागल हो गए मैं घर जा रहा हूं <laughs> आप में से कितने लोग पार जाएंगे क्योंकि वहां पर पानी खड़ा है पानी की गारंटी क्या खड़ा रहेगा ये वचन है वचन ही वो गारंटी है प्रभु ने कहा मैं ऐसे करूंगा ये गारंटी है देखिए विश्वास है मैं इसके बारे में उत्साहित होता हूं विश्वास के बारे में कहता विश्वास ही है वचन ही गारंटी है वचन कहता है वही तो गारंटी हमारे पास और मैं सोचता हूं कि आपको भी बस यही गारंटी चाहिए मेरे विचार से लेकिन बात तो यह कि आपके लिए थोड़ा सा समय लगता है आप अपने मन में और दिल में इसे लेने के लिए केवल वचन ही वो एकमात्र गारंटी है जो हमें चाहिए देखिए विश्वास के बारे में मैं इसीलिए सिखा रहा हूं देखिए वचन ही हमारी एकमात्र गारंटी है लेकिन बहुत से लोगों को दूसरी और भी गारंटी चाहिए लेकिन वचन ही सबसे बड़ी गारंटी है जो आपके पास में है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा यह सबसे बड़ी गारंटी है जो आपके पास इस संसार में है हेलो हर कोई शांत हो गया <laughs> देखिए हमें थोड़ा समय लगता है समस्या को हल करने में हजारों बातें हमें परेशान करती है हमारा ध्यान भटकाती है हवा और आंधी के जैसे पत्र के केस में हुआ था और अचानक वो इन्हें देखता है और संदेह करने लगता है क्या वचन अभी भी उसे थामे रखेगा या नहीं और इसी तरह से हम कई बार करते हैं इसी तरह से कई बार हम डूबते हैं क्योंकि हम इसको और उसको देखते और अपनी परिस्थिति की चिंता करते हैं विश्वास पर चलना और कुछ नहीं है बस ट्रेन करना है अपनी आंखों को कानों को दिल को मन को और प्रभु के वचन को ले लेना है और केवल प्रभु के वचन पर ध्यान देना है और परिस्थितियों पर नहीं विश्वास पर चलना सीखने के लिए थोड़ा समय लगता है आमेन ठीक है तो विश्वास के कदम मुश्किल होते इसलिए मैं बता रहा हूं कि क्यों यह बहुत मुश्किल होता है कि विश्वास का कदम हम उठा सके इसीलिए अब्राहम के बारे में इस तरह बहुत ही विशेष है अब्राहम के बारे में क्या विशेष है अब्राहम परमेश्वर को पहले नहीं जानता था लेकिन प्रभु आकर उससे कहता है अध्याय बारह में पढ़िए कि तू तो अपने पिता के घर को छोड़ और जो कुछ तेरे पास है सबको छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और यह व्यक्ति सब पैक करके चले जाता क्या गारंटी थी क्या गारंटी है जिसके कारण आप सब कुछ छोड़ना चाहते हैं और आप जाना चाहते हैं और कहीं जाना चाहते हैं परमेश्वर जिसे आपने कभी कभी नहीं जाना वो आकर आपसे कहता है और आपसे जाने के लिए कहता है क्यों जाएंगे वो भरोसा है ये विश्वास है यही परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना है यही तो प्रभु के वचन पर खड़े रहना और कहना है मैं विश्वास करता हूं वचन पर विश्वास करता जो देखता उस पर नहीं दूसरे जो कहते उस पर नहीं मैं वचन पर विश्वास करता हूं उसी पर मैं खड़ा हूं और इसलिए मैं जा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने कहा जा अब यही तो अब्राहम ने किया यही तो अब्राहम के विश्वास के बारे में बहुत ही अद्भुत है हम सब हम सब उससे कुछ सीखते हैं ये वचन इब्रानियो ग्यारह आठ बहुत साधारण सा वचन है ये कहता है जब उससे कहा गया कि उस देश में जा जो उसे देने वाला है उसने आज्ञा मानी और चला गया सबका उसने आज्ञा मानी और वो चला गया अब यदि वो आज्ञा नहीं मानता और नहीं जाता तो ये कोई मायने नहीं रखता कि परमेश्वर उसे कितनी भी प्रतिज्ञा का देश दे वो नहीं पाता वो बस वहीं बैठे रहता यदि वह आज्ञा न मानता और नहीं जाता उसके पास कुछ नहीं होता क्योंकि विश्वास मानना ही नहीं है विश्वास कार्य करना है विश्वास हमेशा कार्य के साथ में पूरा होता है कार्य के बिना तो आप विश्वास करते हैं आपका विश्वास पूरा नहीं है हेलो चलिए इस तरह से कहूं ताकि आप समझ सके उदाहरण के लिए कुछ लोग सोचते हैं कि दो घंटे प्रार्थना की तो प्रार्थना है नहीं लोग सोचते हैं आमीन कहे है तो प्रार्थना खत्म होती है मैं कहता हूं नहीं क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती प्रार्थना क्या है प्रार्थना के लिए प्रभु का विचार ये है वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा तो प्रार्थना के दो भाग हैं मांगना और पाना तो यदि आपने मांगा है तो प्रार्थना खत्म नहीं हुई मांगने के बाद आपको वही करना है जो मरकुस ग्यारह चौबीस कहता है जब कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें वो मिल जाएगा आपको केवल प्रार्थना करके मांगना ही नहीं है लेकिन विश्वास करना है कि वो आपको मिल गया हेलो <laughs> क्या आप सुन रहे हैं <laughs> आमीन कहने के बाद आप उठ जाते हैं आप क्या करते हैं प्रार्थना खत्म नहीं हुई आपको वही करना है जो मरकुस ग्यारह चौबीस कहता है आपको इस क्रिया से जाना है विश्वास करना है कि आपको मिल गया और आपको मिल जाएगा इसलिए शारीरिक रूप में यह प्रकट होता है भौतिक रूप में आपके हाथों में आता है चीजों के रूप में जो कुछ भी आप मांगते हैं तो प्रार्थना तब तक तो खत्म नहीं होती जब तक आपको नहीं मिल जाता यह तो मांगना और पाना है यह केवल मांगना नहीं है यह तो मांगना और पाना है प्रार्थना कभी मांगने और पाने के बिना खत्म नहीं होती है मांगना प्रार्थना नहीं है मांगना केवल आधी प्रार्थना है मांगना और पाना प्रार्थना होती है मांगना तो केवल धार्मिक तरह की प्रार्थना है मांगना और पाना ही जीवित प्रार्थना है जो यीशु ने हमें सिखाई है आमेन इसी तरह से विश्वास भी है विश्वास ये नहीं कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं विश्वास करता हूं हम सब कई बातों पर विश्वास करते बहुत से विश्वासी बहुत बातों पर विश्वास करते अगर हम इन सारी बातों को जोड़ दे तो ये बहुत सी बातें होगी वो बहुत सी बातों पर विश्वास करते लेकिन वो उस बात पर विश्वास नहीं करते इस हद तक कि उस पर काम करने लगे हेलो बहुत सा विश्वास करते मैं इस पर विश्वास करता हूं उस पर विश्वास करता हूं ऐसे लिखा है ये ये सब अच्छा है लेकिन बहुत सी बातों पर विश्वास करना मानसिक रूप में ही काफी नहीं है वो उसे कहते हैं वो सहमत होते कहते हां मैं इससे सहमत हूं यीशु पैदा हुआ है हाँ 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 वो क्रूस पर मरा हा वो जी उठा हा हर बात में सहमत होते लेकिन इस पर कार्य करना यह पूरी तरह अलग बात है देखिए ये केवल मान लेना ही नहीं है विश्वास मानना और प्रभु के वचन पर काम करना है इसलिए कहता केवल सुनने वाले न बनो लेकिन उसके अनुसार करने वाले हो काम करो अब मेरे साथ निकालिए याकूब याकूब दो मैं आपके लिए पढ़ता हूं वचन चौदाह हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ क्या यह उद्धार देगा कहता है विश्वास है पर कार्य नहीं क्या विश्वास उद्धार करेगा यह किस बारे में कहता है यह कहता है विश्वास तो है पर उसमें कोई कार्य है यदि आप विश्वास करते हैं तो उसके अनुसार आप काम करते जाएं ठीक है क्या उसके जैसे कार्य है यदि कोई कहता है, है मैं विश्वास करता हूं और कोई कार्य नहीं करता विश्वास से क्या वो जुड़ा है इसका मतलब है कि नहीं मानता यही तो बाइबल कहती है क्या विश्वास उसका उद्धार करेगा वचन सतरह देखिए वैसे ही विश्वास भी वचन सतरह वैसे विश्वास भी यदि कर्म सहित हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है <laughs> बहुत से लोगों का विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है कर्म के बिना वो अधूरा है विश्वास तो है पर कोई कर्म नहीं है इसलिए विश्वास पूरा नहीं होता और यह विश्वास का भी उद्धार नहीं करता यह विश्वास उनके लिए कुछ नहीं करता उसमें कोई सामर्थ नहीं विश्वास पहाड़ हटा सकता है लेकिन उसमें सामर्थ नहीं है क्योंकि विश्वास में कोई काम नहीं है वचन बीस पर हे निकम्मे मनुष्य क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है क्या नहीं जानता क्या नहीं जानता है मूर्ख मनुष्य कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है वो कहता है निकम्मे मनुष्य क्या तू नहीं जानता कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है क्या तू नहीं जानता कर्म बिना विश्वास मरा है कोई फायदा नहीं विश्वास कर्म के बिना अच्छा नहीं है यहां पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है वचन उन्नीस अगर आप पढ़ते हैं तो आप चकित हो जाएंगे तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है कितने लोग विश्वास करते कि परमेश्वर है अच्छा है तू अच्छा करता है मैं नहीं कह रहा बाइबल कहती है तू अच्छा करता है आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं एक और ज्यादा काम करते हैं लोग कहते हैं कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं हां लेकिन दुष्टात्मा भी प्रभु पर विश्वास करती आप और मैं प्रभु पर विश्वास करते हैं और दुष्टात्मा प्रभु पर विश्वास करती इसमें क्या फर्क है दुष्टात्मा भी प्रभु पर विश्वास करती और कांपती हैं प्रभु को समर्पित नहीं होती हाँ विश्वास से आत्मा में कोई फर्क नहीं आता है दुष्टात्मा आत्माएं है, हैं, है। हमेशा आत्माएं है रहेगी कोई बदलाव नहीं कोई पश्चाताप नहीं उसमें कुछ नहीं होता उसने परमेश्वर को समर्पित नहीं किया लेकिन विश्वास करता है कि प्रभु है मेरा मतलब जितना ज्यादा आप और मैं प्रभु पर विश्वास करते वो भी विश्वास करते कि प्रभु है हम में यही फर्क है हम विश्वास करते हैं कि प्रभु है इसलिए हम पश्चाताप करते हैं और उसकी और फिर कराते हैं उसे प्रभु कहते हैं दिल उसके लिए खोलते हैं उसे जीवन का उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं उसके मार्ग पर चलते हैं यही फर्क है तो प्रभु पर विश्वास करना बड़ी बात नहीं है आत्मा भी विश्वास करती क्योंकि विश्वास उससे बढ़कर है जो मानसिक रूप में मानते हैं विश्वास तो उस पर काम करना है विश्वास तो उसे पूरा करना है काम करने से यही विश्वास है आमेन इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि अब्राहम का विश्वास पूरा था उसका विश्वास पूरा था उसने केवल सुना ही नहीं उसने लोगों को इकट्ठा करके इस पर चर्चा ही नहीं की जानते हैं अब्राहम के पास कोई कमेटी नहीं थी प्रतिज्ञा के देश की कमेटी जानते हैं हम बात करेंगे मुझे पता नहीं उसने कहा जानते हैं अपने पिता के देश को छोड़कर चले जा और हम इस पर थोड़ा और ज्यादा विचार करेंगे इस संसार में हमारे पास बहुत सी कमेटी है जो बस विचार करती रहती है लेकिन कभी कुछ नहीं करते हैं <laughs> जब आप काम नहीं करते हैं तो कमेटी बनाते हैं यही तो ये यह होता है आप कुछ नहीं करते हैं कुछ करने के योग्य नहीं होते हैं आप उठकर कुछ करना नहीं चाहते हैं तब किसी तरह की कमेटी बना लेते हैं ताकि बस आपस में बैठकर बातें कर सके देखिए अब उठकर चलने लगा हेलो कमिटी शायद उससे मना करती <laughs> प्रभु का धन्यवाद उसके पास नहीं थी वो उठा और चला गया क्योंकि उसने केवल प्रभु की सुनी थी और उसके पास खड़े होने के लिए प्रभु वचन था और बस उसके लिए बस यही तो काफी था दूसरे ने क्या किया कोई मायने नहीं रखता था वो उठा और चला गया और मैं आपको बताऊं जब आप जाते हैं एक बात जो विश्वास के बारे में खास है वो ये है आप नहीं जानते हैं कि अगले कदम में क्या होगा लेकिन जब आप पहला कदम उठाकर वहां जाते हैं तब आपको बताया जाता है कि अगला कदम क्या है <laughs> और वही तो वो मार्ग है जो चर्बी से भरा हुआ है वही तो वो मार्ग है आशीष का बहुतायत का परमेश्वर के ज्ञान का और सारे प्रयोजन का और ये सब मैंने अपने जीवन में इसे देखा है मैंने सच में इसका इसका अनुभव किया है कैसे हमारे जीवन में कई बातें नहीं होती है बहुत सारे बड़े चमत्कार हमारे जीवन में होने के लिए तैयार होते हैं इंतजार करते हैं लेकिन वो हम तक नहीं पहुंचते हैं हमें वहां पहुंचना चाहिए नए नियम में आप देखते हैं यीशु उस व्यक्ति से कहता है जिसका हाथ सूखा था उसने उससे कहा हाथ फैला उस व्यक्ति का थोड़ा सा उत्तर चाहिए था इसे करने के लिए यदि आप ऐसे व्यक्ति से कहे जो दस साल से ऐसा हो कि अपना हाथ फैलाए यह इसकी शरीर की समस्या है और यदि आप उसे हाथ फैलाने के लिए कहे तो वह क्या कहेगा मैं पिछले दस साल से इसी दशा में उसलिए तो मैं इस मीटिंग में आया हूं ताकि आप मेरे लिए प्रार्थना करें वह हाथ नहीं बढ़ाएगा क्योंकि वह जानता नहीं कर सकता है लेकिन यीशु ने कहा कि अपना हाथ बढ़ा और वो कैसे अपना हाथ बढ़ा सकता है जबकि पिछले दस साल से उसने कभी नहीं बढ़ाया है तो ये कहने का मतलब क्या है कि अपना हाथ बढ़ा क्योंकि जब वो हाथ बढ़ाता है क्योंकि उसका वचन कहता है कि हाथ बढ़ा तब आप अपनी सारी संभावना के बिल्कुल अंत में पहुंचती है और फिर आप परमेश्वर के उस महान सामर्थ को पाते हैं तब आप प्रभु की शक्ति को पाती हैं उसके पहले उससे मिलने का कोई तरीका नहीं था काश उसे पहले मिलने का तरीका होता उसने कहा अपना बिस्तर उठा और चल और उसने कहा देखिए इसे हम समझ नहीं पाते हैं मेरे प्रभु यह व्यक्ति चल नहीं सकता यह बीमार है बिस्तर पर है और यीशु कहता है कि अपना बिस्तर उठा और चल फिर यह व्यक्ति कैसे इससे कह सकता है मैं नहीं चल सकता हूं लेकिन वो अपना बिस्तर उठाता और चलने लगा वो चलना वो चल नहीं सकता था शारीरिक रूप में उसके लिए असंभव था वो कभी नहीं चल पाया था लेकिन जब उसने कोशिश की तो वो अपनी संभावना के अंत में आ गया और प्रभु की महान सामर्थ वहां पर थी और वो वहां पर आई और जब दोनों मिले तो चमत्कार हुआ ये बाइबल का सिद्धांत है विश्वास का इस तरह यह काम करता है देखिए आप दूर से आए ताकि अपनी संभावना का अंत कर सके वहां आपको प्रभु की शक्ति मिलती है क्या एक दिन पहले से मिल सकते हैं नहीं मिल सकते इसलिए प्रभु चिंता करने वालों की मदद नहीं कर सकता हेलो क्योंकि वह कल की चिंता करते हैं केवल उस जगह पर आने पर प्रभु मदद करेगा चिंता करने वाले की प्रभु कैसे मदद कर सकता है इसलिए मैं भी चिंता करने वाले की मदद नहीं कर सकता इसलिए बाइबल कहती चिंता मत करो प्रार्थना करो बहुत से विश्वासी कहते हो भाई मैं बहुत चिंता कर रहा था और फिर मैं उपवास प्रार्थना में गया और से बहुत चिंता है, कुछ अच्छा सोच सकते थे <laughs> उपवास के लिए समझ चाहिए देखिए चिंता छोड़िए और प्रार्थना कीजिए बाइबल कहती चिंता छोड़ो चिंता का को कोई उत्तर नहीं है प्रभु आपकी चिंता को दूर नहीं कर सकता चिंता के साथ वो क्या कर सकता है आपकी समस्या के साथ कुछ कर सकता है लेकिन चिंता तो वो वो है कि आप समस्या के पहले ही सोचते हैं हेलो <laughs> वो आपकी समस्या के लिए कुछ कर सकता है वो तब तक आपकी समस्या के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उस जगह नहीं पहुंच सकते हैं वहां वो आपको मदद करेगा <laughs> क्या आप सुन रहे हैं <laughs> मैं सोचता हूं कि मैंने परमेश्वर की महान शक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में पाया है जैसे मैं अपनी संभावनाओं के अंत में पहुंचा मैंने प्रभु की महान सामर्थ को छू लिया चमत्कार और अद्भुत बातें होने लगी और मैं उससे मिला हूं मैं उसकी सामर्थ्य से मिल चुका हूं उसकी योग्यता से मिला हूं मैं उस योग्यता से मिला हूं जो स्वर के फाटक खोलकर मुझ पर आशीष उंडेलता है आशीषें उंडेलता है कई तरीके से जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कल्पना से बाहर ऐसी आशीषे लेकिन विश्वास का एक कदम आपको एक नई दुनिया में लेकर जाता है यह ऐसी दुनिया जो संभावना की नई दुनिया है जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी ऐसी दुनिया जो आपने पहले नहीं देखी थी लेकिन वहां थी क्योंकि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से नियुक्त किया था पूरा इसराइल देश पूरी एक पीढ़ी प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचा क्योंकि विश्वास का एक कदम लेकर वो दीवार के उस पार नहीं गए वो इस पार थे बस उस पार जा सकते थे विश्वास का एक कदम उठाने के लिए असफल रहे वो डर गए परिस्थितियों को देखते रहे दानों पर उन्होंने गौर किया दूसरों ने क्या किया उस पर उन्होंने ध्यान दिया अपनी भावनाओं पर ध्यान दिया गुलामी के दिनों में जो हीन भावना थी उस पर उन्होंने ध्यान दिया और वो पूरी तरह खत्म हो गए वो पूरी तरह नाश हो गए प्रभु के एक वचन की ओर ध्यान नहीं दिया अध्याय तीन चलिए वचन तेरह से पढ़ते हैं और फिर ऐसा होगा क्या आपको मिल गया बहुत महत्वपूर्ण है और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहुआ की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पाव यर्दन के जल में पड़ेंगे उस समय यर्दन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा वो बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यर्दन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक लिए हुए प्रजा के आगे आगे चले और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यर्दन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों पाव यर्दन तीर के के तीर जल में डूब गए यर्दन का यर्दन का जल तो कटनी के 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 समय के सब दिन अपने तट ऊपर ऊपर बहा करता है तब तो जल ऊपर की ओर से बहता आया था वो बहुत दूर था अर्थात आदम नगर के पास जो सार्तान के निकट है रुक एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा और जो जल आरबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है वो पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरियो के सामने पार उतर गए और याजक हुआ की वाचा का संदूक उठाए हुए यर्दन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इसराइल स्थल स्थल पार उतरते रहे और अंत में उस सारी जाति के लोग यर्दन पार हो गए अब यह अद्भुत चमत्कार है मतलब अद्भुत चमत्कार है यह सच में कि यर्दन ऐसी नदी है जो फसल के समय यानी वो नदी तो अक्सर कटनी के समय उमड़कर बहती थी मतलब पानी तो बहते रहता था मतलब पानी से खेल नहीं सकते थे जानते हैं वो पानी बह रहा था और किनारे के तट पर से वो बह रहा था और अब उन्हें यह पार करना था अब इसके पार प्रतिज्ञा का देश है वो यहां इसराइली लोग यहां पर थे अब उन्हें विश्वास का कदम उठाना था अब उन्हें यही बताया गया था कि उन्हें यही करना होगा उन्हें पार करना है कि याजक तो पहले जाएंगे और वाचा का संदूक लिए चलेंगे और वहां जाएंगे और खड़े होंगे उनके पैर के तलवे यर्दन के पानी में रहेंगे यर्दन में और फिर पानी पीछे जाएगा और सच में वो पीछे जाएगा पिछले नगरों में मतलब कल्पना कर सकते हैं और शहर तक वापस जाएगा इस तरह हुआ देखिए बहुत पानी था जो उमड़ रहा था वो तो ढेर बनकर पीछे चला गया जब उन्होंने पानी में अपने पैर के तलवे रखे अब सवाल तो ये है परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम्हें अपने पैर के तलवे उसमें रखने होंगे हेलो हम में से कुछ लोग विनती करते प्रभु रातों रात सब तैयार कर देना इसे जमा कर देना आदाम तक इस तरह उस तरफ हर जगह सब तैयार करना सूखी भूमि हो सब सूखा कर अच्छा हो और हो सके तो टार रोड भी डाल देना और फिर जब लोग इसे देखेंगे तो तुझ पर विश्वास करेंगे हाँ यदि देखेंगे तो विश्वास करेंगे कि वो पार करके प्रतिज्ञा के देश में जा सकते हैं पिछली बार वो चूक गए इसलिए इस बार असफल ना होने दे प्रभु बस सारा पानी पीछे कर देना सब तैयार करना रोड और सब कुछ तैयार कर देना और सुबह के समय मैं निश्चय उन्हें यहां पर लेकर आऊंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि परमेश्वर ने कितने महान काम किए हैं और फिर हम पार हो जाएंगे प्रभु ने कहा कुछ नहीं करूंगा <laughs> केवल एक ही तरीके से तुम पार हो सकते हो केवल एक ही तरीके से तुम दूसरी बार जाओगे वो तो ऐसे करने से क्योंकि सब कुछ जो परमेश्वर से पा सकते हैं परमेश्वर का हर एक काम हर चीज जो आप प्रभु से पा सकते हैं प्रभु के साथ आप जहां भी जाना चाहते हैं उसे तो विश्वास से ही होना है या फिर वो नहीं होगा

Is fighting for God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, that like cannot be shaken in the name of Jesus.